टोक्यो ओलंपिक के दिन भर की अपडेट्स के साथ मैं शिवेंद्र स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। आज महिला बॉक्सिंग वेल्टरवेट में भारत की लवलीना ने कांस्य पदक हासिल कर देश को बड़ी खुशी दी। टोक्यो में भारत के लिए ये तीसरा मेडल है। लवलीना ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली भारत की तीसरी मुक्केबाज है। पदक हासिल कर लवलीना ने कहा है कि पिछले 8 सालों में उनके बलिदानों को ये बड़ा पुरस्कार मिला है। अब वो 2012 के बाद पहली बार छुट्टी लेकर इसका जश्न मनाएंगे। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम इतिहास रचने से आज चूक गई। अर्जेंटीना के साथ आज खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम हार गई। अर्जेंटीना ने 2 गोल दागे जबकि भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। हालांकि देश की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब ब्रॉन्ज के लिए महिला टीम की टक्कर ग्रेट ब्रिटेन से होगी। आज के खेल के लिए देश की 16 बेटियों को सभी बधाई दे रहे हैं। उनके जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत ही भारत इतिहास में पहली बार महिला हॉकी टीम के अंतिम 4 में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकाबले के बाद ट्वीट कर टीम के संघर्ष की सराहना की। वहीं जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इसी के साथ उन्होंने फाइनल में जगह बना ली। पुरुष भाला फेंक के क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ग्रुप में पहले स्थान पर रहे। नीरज अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबले में उतरेंगे। रवि दहिया ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे पहलवान बन गए, जिन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। रवि दहिया अब ओलंपिक गोल्ड से बस 1 जीत दूर हैं। दूसरी ओर भारतीय पहलवान दीपक पुनिया 86 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में अमेरिका के 2018 के विश्व चैंपियन से एक तरफा मुकाबले में हार गए। तो आज के लिए इतना ही। ओलंपिक के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in।